हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम गाइड वंस अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विच बिल ऑफ लेडिंग की, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं स्विच बिल के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्विच बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, स्विच बिल ऑफ लेडिंग कौन इशू करा सकता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है और स्विच बिल ऑफ लेडिंग हम क्यों इशू कराते हैं। तो ये सारी चीज इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर हम स्विच बिल की बात करें तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है, सेम एज ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग। तो यहाँ पे स्विच बिल इज नथिंग बट रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल बिल। जब आपका कोई शिपमेंट होता है तो ट्रांजिट के दौरान हम ओरिजिनल बिल को रिप्लेस करके एक नई बिल ले लेते हैं, उसी को हम स्विच बिल बोलते हैं। स्विच बिल इशू कराने का कई कारण हो सकता है। अगर हम मेन कारण की बात करें तो कई बार जो बायर होता है वो एक्चुअल सेलर या सप्लायर को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि वो किससे कार्गो परचेज कर रहा है। तो बेसिकली उसको हाइड करने के लिए वो यहाँ पे स्विच बिल इशू कराता है। दूसरा, कई बार शिपमेंट होने के बाद बायर चेंज हो जाता है किसी भी कारण से, एग्रीमेंट ब्रीच हुआ या कुछ भी इशू आया पेमेंट का, और बायर अगर चेंज करना है तो भी आप स्विच बिल इशू करा सकते हैं। तो इन दो मेन रीजन की वजह से स्विच बिल इशू होता है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्विच बिल में होती है, तो स्विच बिल में जो भी इंफॉर्मेशन आपके फर्स्ट लेग बीएल या ओरिजिनल बीएल में होगी वो सारी इंफॉर्मेशन सेम होती है, एक्सेप्ट सिपर एंड कंसाइनी। जब हम स्विच कराते हैं तो सारी डिटेल सेम होती है, लेकिन सिपर चेंज हो जाता है और कंसाइनी चेंज हो जाता है। जो हमारे पहले बीएल में कंसाइनी होता है वो स्विच बीएल में एज अ सिपर एक्ट करता है और कंसाइनी वहां पे एक्चुअल हो जाता है। बाकी जो डिटेल है वो सेम होती है, क्योंकि यहाँ पे कस्टम का प्रोसीजर होता है, बीएल नंबर सेम होता है और आपके कार्गो का पूरा डिस्क्रिप्शन सेम होता है, डेट ऑफ इशू सेम होता है, लोडिंग पोर्ट डिस्चार्ज पोर्ट सेम होते हैं, कंटेनर नंबर सील नंबर सेम होता है, कुछ भी नहीं बदलता, केवल आपका शिपर और कंसाइनी यहाँ पे बदल जाता है। तो उसी को हम स्विच बीएल बोलते हैं। अब स्विच बीएल इशू कराने का प्रोसेस क्या है? स्विच बीएल इशू कराने के लिए जो एक्चुअल सेलर या शिपर है वो रिक्वेस्ट कर सकता है या बायर रिक्वेस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको बताएं कि चाइना से इंडिया कोई शिपमेंट जा रहा है वाया सिंगापुर, तो यहाँ पे चाइना से कार्गो जब शिप होगा और अगर सपोज आप समझिए कि बायर जो है सिंगापुर पे बैठा है, बायर या ट्रेडर, तो जब बीएल चाइना में सप्लायर को इशू होगी तो वहां पे जो कंसाइनी होगा वो सिंगापुर का बायर होगा, और जब सिंगापुर में स्विच बीएल होगा तो उस केस में जो बायर था वो शिपर बन जाएगा और एक्चुअल जो कंसाइनी इंडिया का आपके बीएल में डाल दिया जाता है। तो वो जो बायर है जो बाद में शिपर बनने वाला है वो रिक्वेस्ट कर सकता है या सप्लायर रिक्वेस्ट कर सकता है कि आपको स्विच बीएल की रिक्वायरमेंट है। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं उसके बाद जो आपकी ओरिजिनल बीएल है उसको आपको कैरियर को सबमिट करना पड़ता है। कई बार आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या अंडरटेकिंग देना पड़ता है बीएल के साथ, तो शिपिंग लाइन उसको वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद आपको स्विच बीएल इशू करता है। तो यहाँ पे स्विच बीएल इशू हो जाने के बाद आपको जो ओरिजिनल बीएल है उसको आपको फुल सेट में 3+3 कैरियर के ऑफिस में आपको सरेंडर करना होगा। सरेंडर करने के बाद जो भी आपकी स्विच बीएल की फीस होती है वो आपको पे करना होता है, उसके बाद आपको स्विच बीएल दे दिया जाता है। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो सपोज चाइना में एक शिपर है ए जो कि सिंगापुर में एक बायर बी को सेल कर रहा है, तो यहाँ पे जो बीएल इशू होगी फर्स्ट बीएल वहां पे सिपर एक्चुअल होगा चाइना का, लेकिन जो बायर है वो सिंगापुर का होगा। तो यहाँ पे ये पहली बीएल हमारी हो गई, ओरिजिनल बीएल इशू हुई। उसके बाद जब बीएल स्विच होगी, क्योंकि जो सिंगापुर की पार्टी है वो नहीं चाहता
कि इंडिया में जो कंसाइनी है उसको ये पता चले कि कौन एक्चुअल सेलर है, क्योंकि अगर उसको पता चल जाएगा तो डायरेक्ट वहां से परचेज कर सकता है। तो मोस्टली वो नहीं चाहता कि डिस्क्लोज हो कि कौन सेलर या सप्लायर है। तो उस केस में जो हमारे सिंगापुर का कंसाइनी है वो कैरियर को रिक्वेस्ट करेगा एलओए और बीएल के साथ कि वो इस बीएल को स्विच करना चाहता है। कैरियर सारी डिटेल चेक करेगा, चेक करने के बाद उसको ड्राफ्ट बीएल दे दिया जाएगा, वो ड्राफ्ट बीएल चेक करके अप्रूव करेगा, उसके बाद एलओए और वो सारी जो ओरिजिनल बीएल है उसको सरेंडर करेगा और जो सिंगापुर की पार्टी है उसको एक नई स्विच बीएल वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके बाद जो कार्गो इंडिया पे रिलीज होगा वो स्विच बीएल के बेस पे होगा। इस केस में जो इंडिया का बायर है उसको ये नहीं पता चल पाता कि ये बीएल कैसे इशू हुई है, स्विच है या नहीं है, एक्चुअल सप्लायर कौन है। तो इसी चीज को हाइड करने के लिए स्विच बीएल इशू होता है। होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।